हेलो बच्चों, मैं नेहा सैन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कृपाराम खिड़िया के राजियारा सोठा लेकर के। कृपाराम खिड़िया जी के जीवन परिचय के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। कृपाराम जी राजस्थानी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। ये खिड़िया शाखा के चारण थे। चारण कौन होते बच्चों? जो कि राजा महाराजाओं की वंशावलियों का वर्णन करते हैं वो चारण कहलाते थे। ठीक है, इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले के अंदर है ये के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इनकी प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुर एवं लक्ष्मणपुरा की जागीरें दान में दी थी। कृपाराम का रचना का संवत 1864 से माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोठा जो कि काव्य है, चालकनेसी जो कि नाटक है, और एक अलंकार ग्रंथ के नाम माने जाते हैं। राजियारा सोटा ही वर्तमान में उपलब्ध है। इनकी जो उपलब्ध कृतियां हैं उनमें से केवल एक ही जो उपलब्ध है और वो है राजियारा सोटा। ठीक है बच्चों, राजियारा सोटा ग्रंथ में क्या है? बच्चों राजियारा सोटा क्या है? राजियारा सोटा ग्रंथ जो है कवि ने अपने सेवक राजा राम के लिए लिखा। राजा राम जो था चिंता में डूबा रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, और इस विचार से कि उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका जग में नाम नहीं हो पाएगा या उसका नाम चलाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा सोचकर वो हमेशा दुखी रहता था। जब कृपाराम जी को इसके बारे में पता पड़ा तो उन्होंने बोला उसे कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके संतान नहीं होती उसका भी नाम इस संसार में अमर होता है और मैं तुम्हारा नाम अमर करूंगा। और उन्होंने संबोधन शैली में अर्थात राजा राम को संबोधित करते हुए एक काव्य लिखा जिसका नाम राजियारा सोठा रखा। और इस काव्य के अंदर उन्होंने राजिया को नीति की बातें बताई, बहुत सारी विशेष महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने। और इसी कारण आज हिंदी साहित्य के अंदर राजस्थानी काव्य में जो कृपाराम जी, इनका राजियारा सोठा एक अमित निधि के रूप में मानी जाती है। ठीक है, देखो राजियारा सोठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर लिखा है। राजा राम राजिया कवि का विश्वास पत्र एवं सेवा भावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरने के बाद, मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे और सारी दुनिया उनका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोठे मिलते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर उन 140 सोठों में से 15 सोठों को सम्मिलित किया गया है। राजियारा सोठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। बच्चों संबोधन शैली, किसी को संबोधन करते हुए, अब इस पूरे काव्य के अंदर कृपाराम जी ने राजिया अर्थात राजा राम को संबोधित करते हुए अपनी बातें कही है, तो ये संबोधन शैली का सबसे पहला काव्य माना जाता है राजस्थानी भाषा का। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल भाषा राजस्थान की भाषा है और राजस्थानी भाषा जो काव्य की है उसमें डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग भी लिया जाता है, और आपके इन सोरठों के अंदर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। सोरठा छंद है बच्चों, छंद भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आप दोहा पढ़ते हो, चौपाई पढ़ते हो, सोरठा होता है, रोला होता है, उल्लाला होता है, कवित्त होते हैं, सवैये होते हैं, बरवे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें सोरठे छंद है। ठीक है, हर छंद की अपनी विशेषताएं होती है। तथा वर्ण संगाई मुख्य अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा महत्वपूर्ण है अर्थात इस पूरे काव्य के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से वर्ण संगाई अलंकार का प्रयोग किया है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों यहाँ पे एक बात आई है, प्रसाद गुण युक्तता। प्रसाद गुण युक्तता क्या होती है? प्रसाद गुण से युक्त जो रचना होती है अर्थात काव्य के 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। प्रसाद गुण वो होता है जब हमें किसी चीज को पढ़ते ही समझ में आ जाती है तो वो हमारा प्रसाद गुण कहलाता है। आपको अपने दिमाग पर जोर देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसका अर्थ समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, कठिनाई नहीं होती है। तो हम किसी रचना को पढ़ते ही अगर हमें समझ में आ जाती है तो वो प्रसाद गुण होता है। किसी रचना को पढ़ने से हमारे मन में आनंद की प्राप्ति होती है, हमें खुशी महसूस होती है, तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। और जहां पर जिस रचना को पढ़ने से हमें उत्साह, ओज, वीरता, साहस का अगर हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है या भावनाएं विकसित होती हैं
तो वहां पर ओज गुण होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण क्यों है, क्योंकि इनके सोरठों को पढ़ करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए इनसे प्रसाद गुण युक्त रचना बताई गई है। पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सद्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बाहुल्यता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। ये हुआ परिचय, अब हम इनके सोठे देखते हैं। तो पहला सोठा देखते हैं हम, गुण अवगुण जिण गांव, सुने न कोई सांभले, उण नगरी विच नाम, रोही आछी राजिया। यहाँ पर कवि ने राजा राम को, आपको प्रत्येक सोठे के अंदर ये लिखना है, ये समझना है कि प्रत्येक सोठे के अंदर उन्होंने राजा राम को संबोधित किया, और राजा राम को प्यार से ये राजिया कहते थे, ठीक है। तो प्रत्येक सोठे के अंदर उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, गुण अवगुण जिण गांव में, गुण और अवगुणों को जिस गांव में सुने ना कोई सामले, कोई महत्व मतलब उसको समान माना जाता है, ना तो गुण को महत्व दिया जाता है ना अवगुण को, दोनों समान माना जाता है। उन नगरी विच नाव, उस नगरी में रहने से तो रोही आछी राजिया, निर्जन वन में रहना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ऐसे गांव में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है जहां पर ना तो गुण को कोई महत्व दिया जाता है ना अवगुणों को, अर्थात दोनों ही महत्वहीन होते हैं या दोनों को ही महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऐसे गांव में रहने से अच्छा है निर्जन वन में वास करना। सेकंड है, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल के हरा की होए रंगा स्याला राजिया। कि कार्य करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, बल पराक्रम हिम्मत की। जिनके पास बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होता है वो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे उसको हलकारने पर रंगा सियार के बच्चों, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी और आपने बहुत देखा भी होगा छोटे बच्चों के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं उनमें ये चीजें आती हैं कि एक बार एक सियार होता है जो कि डरपोक होता है। वो डरपोक सियार एक बार खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में शहर में चला जाता है, और शहर में जब वो जाता है तो शहर में किसी कोई धोबी होता है, उस धोबी ने बहुत सारे गड्ढे बना रखे होते हैं, उन गड्ढों में रंग घोल रखा होता है। तो वो जब वहां जाता है तो वो गलती से किसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलने पर उसका पूरा शरीर का जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जब वो उस शहर में से जब वो अपने जंगल में वापस जाता है तो उसकी विचित्र रचना, उसकी विचित्र रंग को देख करके जंगल के जो प्राणी होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। जब वो ये चीज नोट करता है, ये चीज वो ध्यान देता है कि मुझसे सारे जंगल के जानवर डर के भाग रहे हैं, तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए या अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, जंगल के राजा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। तो राजा भी कहता है कि ठीक है भैया, आप भगवान के दूत हो तो रहो आराम से, किसने मना किया आपको। उसको वहीं पे खाना मिल जाता है, वहीं पे पीना मिल जाता है, वहीं पे उसकी सारी सेवाएं होने लग जाती हैं। जब उसके ग्रुप के जो उसके जो समूह होता है, उसके अन्य साथियों को जब पता पड़ता है कि ये वही सियार है, हमारा साथी है, और राजा के पास रह करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, ऐशो आराम भोग रहा है, तो उनको उससे ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या के कारण वो लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। रात के समय वो लोग सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। जब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं तो रंगा हुआ सियार, अर्थात जो रंग से रंगा हुआ सियार था, वो भी भाई उसकी प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक आवाज है उनकी, तो जो प्राकृतिक आदत जो होती है एक तरीके से, तो और सियारों को चिल्लाते हुए सुनकर उसको भी चिल्लाना पड़ता है, और वो भी चिल्लाना जोर जोर से शुरू कर देता है। तो इस प्रकार उसकी पोल जो होती है वो सबके सामने खुल जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बच्चों की, रंगे सियार को हलकारने से अर्थात उसको युद्ध के लिए ललकारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो बल है, ना पराक्रम है, और ना ही हिम्मत है। और किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को हिम्मत, बल और पराक्रम की का होना आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिले सिंह वन माह, किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जहां रहे उरदगत राजिया। कि जंगल में सिंह यानी शेर राजा होता है, लेकिन उसको किसने राजा किया, किसी किसी जानवर ने उसको राजा नहीं किया है, वो वहां का राजा अपने बल और पराक्रम से राजा बनता है, ना कि किसी के बनाने से। उसकी हिम्मत
और उसके पराक्रम के कारण ही वह जंगल का राजा घोषित होता है और अपने साहस और बल से वह अन्य जानवरों को नियंत्रित करता है। तो उसको किसी ने राजा घोषित नहीं किया है, उसकी अपनी हिम्मत और पराक्रम के माध्यम से वह जंगल का राजा बनता है। और जिसके पास में बल, पराक्रम, हिम्मत होती है, वही व्यक्ति ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। बच्चों, मिले सिंह वन महा किण मृगा मृगत प्रियो, कि जंगल में जो शेर मिलता है उसे किसी भी मृग यानी कि किसी भी हिरण, यहाँ पे मृगा जो आया है वो हिरणों के लिए आया है, तो उसको हिरणों ने मृगपत घोषित नहीं किया, उसे उनका राजा घोषित नहीं किया उस किसी मृग ने। जोरावरती जहाँ जिसके बाजुओं में बल होता है, जिसकी भुजाओं में हिम्मत होती है, बल होता है, वही रहे उरदगत राजिया, वही ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, कि युद्ध के लिए उसे ललकारा जाता है जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें वीरता होती है, जिसमें साहस होता है, ठीक है। और वो लोग जो होते हैं युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और वही लोग जो होते हैं इस धरती के भार को अपने कंधों पर उठाने के योग्य होते हैं, वही इस धरती को भोगने का परिश्रम करते हैं और वही इस धरती का भोग भोगते हैं। देखो, आछा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख दसे, युद्ध के लिए ललकारे जाने पर युद्ध जो योद्धा होता है, जो वीर होता है, वो तलवार की नोक पर चलते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, या अपने प्राणों की आहुति दे करके, या ऐसे कहो अपने प्राणों को हाथों पे लेकर के, कहते हैं ना जान हथेली पे लेकर के वो युद्ध में जाता है और युद्ध में लड़ करके दुश्मनों को परास्त करके इस धरती को जीतता है और उसका भोग प्राप्त करता है, उसको भोगता है। रसा जिकेनर राजिया, और उस पृथ्वी का रस ग्रहण करता है, अर्थात उसको भोगता है, उसका राजा बनता है और राज्य करता है, ठीक है। एढ़े सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसर रे बात रूढ़ी लगे ना राजिया। अब यहां पर क्या कहा है कवि ने, कवि ने कहा है हे राजिया कि बिना अवसर के कही गई बात, कहनी सोच विचार कर, हमें कोई भी बात बोलते हैं तो हमें अवसर देख करके किसी भी बात को बोलना चाहिए। बेमौसरी बात बिना मौसम की बात, अर्थात बिना अवसर के कही गई बात रूढ़ी लगे ना राजिया, महत्वहीन हो जाती है, वो सारहीन हो जाती है। हम कोई भी बात कहते हैं हमें तो मौका अवसर देख करके हमें अपनी बात कहनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो महत्व की कही गई बात भी बेअसर पर कही जाने पर महत्वहीन हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, हम कभी भी कोई बात कहते हैं तो अवसर विशेष का ध्यान रखना चाहिए, उस अवसर को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी बात को आगे रखना चाहिए, ठीक है। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमेक दटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घले राजिया। अब यहाँ पर कवि तीन चीजों के बारे में बता रहा है कि तीन चीजों का हमें पहले ही इलाज कर लेना चाहिए, हमें पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। कौन कौन से? दव यानी कि आग का, दुश्मन यानी कि दुश्मन का, शत्रु का, और आमे यानी कि रोग का। तीन चीजें जो होती हैं, अग्नि, रोग और दुश्मन, इनका उपचार हमें पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाते हैं तो ये प्राण के लिए घातक सिद्ध होते हैं। प्रचंड हुआ विश्वाव, क्योंकि इनके प्रचंड रूप लेने के कारण इनको कंट्रोल करना, इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पहले ही इन तीनों चीजों का उपचार कर लेना चाहिए। कौन कौन सी? अग्नि, रोग और दुश्मन का। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोए रद कागज जीव राजिया। हे राजिया, जहां पर हिम्मत होती है उसी की कीमत होती है, ठीक है। बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई भी आदर नहीं करता। जिस प्रकार रद्दी पेपर की, रद्दी कागज की कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उस व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं होती है। तो इस सोल्टे के अंदर उन्होंने किस चीज का महत्व बताया है? हिम्मत का, पराक्रम का महत्व बताया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। अब यहाँ पर कवि ने मधुर वाणी के बारे में बताया है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि कोयल की ध्वनि को सुनकर के, कोयल की मधुर वाणी को सुनकर के आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? अनुराग उत्पन्न होता है, और उसकी बोली सभी के मन को हर्षित करती है, आनंदित करती है। कड़वो लागे काग, और कौवा कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि उसकी जो वाणी होती है, जो उसकी बोली होती है, वो कर्कश होती है।
ये रसना रा गुण राजिया, ये उनकी वाणी के ही गुण है कि एक मधुर बोलती है इसलिए वो मधुरता देने वाली होती है, और कौवा कड़वा बोलता है, कर्कश बोलता है इसलिए वो मन को कठोर लगता है। तो ये गुण किसके हैं? वाणी के गुण हैं, रसना यानी वाणी। नेक्स्ट है, दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृत हुए, करे ना न्यारो कोए, राज हंस बिना राजिया। कि दूध और पानी दोनों मिलकर के एक जैसी आकृति होते हैं। आप दूध और पानी को जब मिलाते हैं तो दोनों में से किसी को अलग करना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। ना तो आप दूध को अलग कर सकते हो उसमें से, ना आप पानी को अलग कर सकते हो। ये कार्य केवल राज हंस नामक पक्षी होता है वो ही कर सकता है। वो ही दूध दूध तो बच्चों पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो इस प्रकार वो दूध में से पानी को अलग कर लेता है। और यहाँ पर राजहंस जो आया वो विवेकशील व्यक्तियों के लिए आया है। विवेकशील व्यक्ति अपने विवेक के माध्यम से धर्म और अधर्म दोनों तरह की बातों को समझता है और धर्म का साथ देता है, ठीक है, सत्संगति का साथ देता है। नेक्स्ट है, मलयागिरी मंझार, हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। मलयागिरी नाम का जो पर्वत है उस मलयागिरी पर्वत के ऊपर चारों ओर चंदन ही चंदन के पेड़ उगे हुए हैं। संगत लिए सुधार अर्थात वहां पर चंदन के अलावा जो अतिरिक्त वृक्ष हैं उन्होंने भी चंदन की संगति को ग्रहण कर लिया, और वो चंदन जैसी शीतल सुगंध दे रहे हैं, चंदन की जैसी वो शीतलता देने वाले हो रहे हैं। ये किसके कारण हुआ है? उस संगति के कारण हुआ है। अच्छी संगति अर्थात चंदन का जो वृक्ष यहाँ पे वो सत्संगति के लिए आया है, और सत्संगति होने पर व्यक्ति जो दुर्संगति में होता है कुसंगति के अंदर होता है वो भी अच्छे गुणों को ग्रहण करता है और सत्संगति की ओर अग्रसर होता है। मलयागिरी मंझार हर को तर चंदन हुए, कि मलयागिरी पर्वत पर हर वृक्ष चंदन का हो गया है, संगत लिए सुधार, क्योंकि उन्होंने चंदन के वृक्षों की संगति ग्रहण करके अपने आप में सुधार किया है, रूखा ही ने राजिया, और वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हमें अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। सत्संगति करने से हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण समाप्त होते हैं और अच्छे गुणों का हमें विकास होता है। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारियां, वहे जीवरा घाव, रति ना ओखद राजिया। अब यहाँ पर राजा राम को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, वाणी जो है वाणी के घाव बहुत बुरे होते हैं। वाणी की चोट से किए गए घाव कभी भी नहीं भरते हैं, और जो तलवार का घाव होता है तलवार के घाव तो दवा से औषधि से सही किए जा सकते हैं, लेकिन वाणी के घावों को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बोलना चाहिए, ठीक है। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारियां, कि पाटा पीड़ उपाव अर्थात हथियारों से किए गए वार को, तन लागा तरवार या तन पर लगे हुए तलवार के वार को औषधि से सही किया जा सकता है, उन्हें अच्छा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। वही जीवरा घाव, वही जीव के घाव को अर्थात वाणी के घाव को रति ना खुत राजिया, उसकी कहीं भी औषधि नहीं मिलती है। मूसा ने मंजार, हित कर बैठा है कर्ण, सह जाने संसार, रस न रैसी राजिया। कि मूसा ने मंजार, चूहा अच्छी तरह जानता है कि बिल्ली उसकी जन्मजात शत्रु है, ठीक है, ये जानते हुए भी वो अपना हित समझ करके कि बिल्ली मेरा हित करेगी, मेरा अच्छा चाहेगी, उसके पास जाकर के बैठ जाता है। सह जाने संसार, सारा संसार जानता है रस न रैसी राजा कि इन दोनों के बीच में मित्रता कभी नहीं हो सकती। अर्थात यहाँ पे चूहा जो है वो सज्जन व्यक्ति के लिए आया है, और मंजार जो है वो दुर्जन व्यक्तियों के लिए आया है। तो सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति के पास ये जाकर सोच कर बैठ जाता है या उसकी संगति में इसलिए बैठ जाता है कि वो सुधर जाएगा, तो ये उनका सोचना गलत होता है, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संगति आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकती है, ठीक है, और ये सारा संसार जानता है इस बात को। खलगुण अण खुंताए, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुंताए, रोही आछी राजिया। ऐसा गांव जहां पर खल गुड़ और भूसी, आटे की जो भूसी होती है, उन तीनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं समझा जाता है, ऐसे गांव में रहने से तो रोही आछी राजिया अर्थात ऐसे गांव में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में वास करना, अर्थात
जिस गांव में सभी को एक समान आदर दिया जाता है, ना तो गुण को कोई महत्व विशेष ना महत्व है, ना खल को कोई विशेष महत्व प्रदान है, ना भूसी को विशेष महत्व प्रदान है। तो ऐसे गांव में जहां तीनों को एक समान आदर दिया जाता है, ऐसे गांव में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में वास करना। नेक्स्ट है, घन घन सांबड़ घाए, न फूटे पाहण निवड़, जड़ कोमल विद जाए, राय पड़े जब राजिया। अब यहाँ पर घन घन, यहाँ पर दो शब्द हैं। एक घन का मतलब होता है ज्यादा, और एक घन का मतलब होता है लोहे का औजार, होता है हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, जिससे कि बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि घन घन सांबल घाए, कि ज्यादा मतलब ज्यादा चोट करने पर, सांबल होता है एक लोहे का सरिया होता है जो आगे से पैना होता है, ठीक है। तो ऐसे औजारों को प्रयोग में लाने पर भी न फूटे पहाड़ निवड़, बड़े से बड़े पहाड़ को नहीं तोड़ा जा सकता। आप कितना ही बड़ा औजार ले लो, कितना ही बड़ा हथौड़ा ले लो, या कितने ही बड़े सांबड़ ले लो, उनके माध्यम से आप पहाड़ में चोट करो, कितनी ही चोट करो, लेकिन आप उसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया, अगर उस पहाड़ के अंदर दरार पड़ जाती है तो उस पहाड़ को आप आसानी से तोड़ सकते हो। यहाँ पर बच्चों घनिष्ठ मित्रता की ओर संकेत किया है, कि घनिष्ठ मित्रता में जब दरार पड़ जाती है तो उनकी मित्रता को आसानी से तोड़ा जा सकता है, उनका फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, दो बैल थे। वो जो दो बैल थे बहुत अच्छे मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे कि उनके सामने शेर, जो सिंह होता है जंगल का राजा, वो भी उनके सामने आने से कतराता था, डरता था। तो शेर का एक सेनापति था जो कि था लोमड़ी, और लोमड़ी बहुत चतुर होते हैं। अब लोमड़ी से सिंह ने कहा, शेर ने कहा कि मैं इन दोनों बैलों का शिकार करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि आप दोनों बैलों का शिकार करना चाहते हो, पर ये तो बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको आप कैसे शिकार बनाओगे अपना? तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, इन दोनों में फूट डालते हैं, और फूट डाल करके इनके अंदर हम लोग उनको आराम से अपना भोजन बना सकते हैं, तुम भी खुशी और मैं भी खुश। बोलता अच्छा ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि दोनों के अंदर फूट डालने का काम करते हैं। कैसे करते हैं कि एक बार दोनों बैल जो होते हैं घास चर रहे होते हैं, और घास चरते हुए बैलों के पास में थोड़ी थोड़ी दूरी होती है, उस दूरी का फायदा उठा करके, मान लो 2 कदम की दूरी है, 4 कदम की दूरी, ऐसे कुछ दूरी होती है उन दोनों के बीच में। तो वो लोमड़ी आती है, और लोमड़ी आकर के एक बैल के कान में कहती है, कुछ कह रही होती है, पर कहती क्या है, कुछ नहीं कहती है, चुपचाप उसके कान पे पास आकर खड़ी हो जाती है, और ऐसी एक्टिंग करती है, ऐसा अभिनय करती है कि वो कुछ कह रही है। जब दूसरा बैल उसके जाने के बाद में दूसरा बैल उससे पूछता है कि लोमड़ी ने तुमसे क्या कहा? बोले कुछ नहीं कहा, वो तो ऐसे ही चली गई बिना कुछ बोले। तो अच्छा, दूसरे दिन जब मौका मिलता है तो पहले वाले बैल की जगह वो लोमड़ी दूसरे वाले बैल के पास में जाती है, और दूसरे वाले बैल के पास में जाकर के वो बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो बोलता है क्या नहीं बताया? बोले कल मैंने उसे बोला था कि इस गांव के बाहर या जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम उसको खा करके और स्वस्थ हो जाओगे। वो बोलता है मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बोलता है ये तो गलत बात है, तुम लोग इतने अच्छे मित्र हो, इतने अच्छे दोस्त हो, उसके बावजूद उसने तुझसे कुछ नहीं कहा? बोले नहीं कहा। अब बच्चों दोनों के बीच में दरार डल जाती है, वो लोमड़ी यही काम करती है फूट डालने का। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं, और उस अलग होने का फायदा कौन उठाता है? वो सिंह उठाता है, वो शेर उठाता है। क्योंकि जब पहला बैल घास चरने के लिए जाता है तब दूसरा बैल कहीं और होता है, और इसी फूट का फायदा उठा करके वो सिंह जो होता है वो दोनों बैलों को अपना शिकार बनाता है, अपना भोजन बनाता है, और इस शिकार का फायदा और सियार को भी देता है, जो लोमड़ी होती है उसको भी देता है। तो बच्चों इस कहानी में यही था कि जहां पर घनिष्ठ मित्रता के अंदर छोटी सी दरार पड़ जाने के कारण सिंह और लोमड़ी दोनों को फायदा हो गया, दोनों को भोजन मिला, उसी प्रकार जब इतना बड़ा पहाड़ होता है, उस पहाड़ के अंदर बड़े बड़े हथियारों से चोट करने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर उसमें दरार पड़ जाती हो तो उस दरार से उस पूरे पहाड़ को तोड़ना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही घनिष्ठ मित्रता को हमें संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, आपने रहीमदास जी का दोहा भी सुना होगा, कौन सा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे जोड़े से भी ना जुड़े फिर जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आप उस रिश्ते को, उस मित्रता को जोड़ना भी चाहोगे तो कहीं ना कहीं उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज की कमी रह जाती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। बच्चों तो घनिष्ठ मित्रता को संभाल के रखना चाहिए, ठीक है, उन बैलों की तरह नहीं, आप फूट डालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पै मीठा कर पाक,
जो इमृत सींची जिए उर कड़वाई आप रंच ना मुखे राजिया। आप आकड़े के दूध को कितना ही अमृत कितना ही शहद डाल के पकाओ उसमें मिठास नहीं आएगी, क्योंकि उसका प्राकृतिक गुण क्या है, कड़वेपन का विषैलेपन का। ठीक है, तो आप उसके अंदर कितना ही पेय अर्थात अमृत डालो मीठा डालो शहद डालो उसके बावजूद भी आप उसमें मधुरता नहीं डाल सकते जो इमृत सींची है। आप अगर उसको अमृत से भी सींच देंगे, आप उसको अमृत के साथ भी पका लेंगे तो भी उसमें कोई मधुरता नहीं आएगी। उर कड़वाई आक वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा, रंच नमक की राजिया वो अपने प्राकृतिक गुण को नहीं छोड़ेगा। जैसे सांप अपने प्राकृतिक गुण को अर्थात डसने को विषैलेपन को विष को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वो सत्संगति में आने पर भी दुर्जनता को नहीं छोड़ते हैं। बहुत कठिन परिश्रम करना होता है बच्चों दुर्जन संगति को और दुष्ट व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राजियारा सोठा पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।